जी नाज़रीन, पाकिस्तान मरीन अकेडमी के नौजवान पारा मुतालबन की मंजताल है। कराची प्रेस क्लब बारा एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरों को है। नौजवान से गलाइंदी तो उन्होंने कड़ा मुतालबात हैं? प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो शिप्स हैं वो पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब वो 11 हो गए हैं। तो जो कानून है जो कि इंडिया, बांग्लादेश और बाकी मुल्क फॉलो कर रहे हैं, वो ये होता है कि जो फ्लैग विसल होती है उसके ऊपर आप कैडेट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने। इन्होंने अभी सिर्फ 2 कैडेट्स रखे हुए हैं, जबकि ये 8-8 तक जा सकते हैं। जब ये 8 कैडेट रखेंगे उसके बाद एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड ये होता है कि वो कहीं नहीं जाएंगे पीएनएससी के अलावा। अगर वो ख़त्म हो जाए, पीएनएससी के इतने अच्छे रूट्स होते हैं कि इंटरनेशनल कंपनी जैसे KOTC, डायनाकॉम, बहरी और मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो आपको ले लेती हैं और आपकी अच्छा रिस्पॉन्स होता है, आपको रैंक्स जल्दी मिलते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि मुल्क में रेमिटेंस आएगा, पैसे आएंगे, डॉलर्स आएंगे। एक एक जो कैडेट होता है उसकी तनख्वाह $700 से लेके जो कैप्टन होता है उसकी $15,000 से $20,000 होती है। अगर पर मंथ आप काउंट करें, एक एक भी बंदा ला रहा है, जिस तरह फिलीपींस जो हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स ला रहे हैं, इंडियन बिलियन ऑफ डॉलर्स ला रहे हैं, जबकि हमारी हुकूमत की निगलिजेंस की वजह से हम सड़कों पे आने पे मजबूर हुए हैं। हमारी उनके साथ जो हमारी मेन डिमांड्स हमने सामने रखी थी वो यही थी कि हम लोगों का जो मेन इशू है ना, सबसे बड़ा वो है जॉब्स का इशू। हम अकेडमी से पास आउट होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने शिप पे जाना होता है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरा मुल्क चलता है ट्रेड पे, ठीक है, और ट्रेड में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उस मुल्क की इकॉनमी। इकॉनमी किससे होती है? मर्चेंट नेवी से, ठीक है। तो हम लोग सारे मर्चेंट नेवी के कैडेट्स हैं, मैक्सिमम जो है ये सब मैक्सिमम जो है इधर सारे तकरीबन जॉबलेस हैं, ठीक है। और हम लोग जो आज धरना कर रहे हैं वो इसी वजह से है कि हम लोगों को जॉब्स के ऊपर थोड़ा बात की जा सके। पाकिस्तान मरीन अकेडमी जहाँ कैडेट्स आन असा पाकिस्तान मरीन अकेडमी में ग्रेजुएट थी मर्चेंट नेवी से असो तालुक काफ़ी सारे अर्से का वी असा मसला हलन पाया। अस मिनिस्टर साहब के अप्रोच किया, अली जैदी से मीटिंग कई से डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग है चेयरमैन PNSC में उनमें शामिल हुआ, पर उन्होंने मीटिंग्स जो को भी फायदो नहीं निकतो। असो कैडेट पास आउट थे बाद 4 खां 5 साल तक वेट करो उनके पवे तो उन 4 खां 5 साल का बाद उनको पे शिप लगे तो सी। गवर्नमेंट सेक्टर असि स्पेसिफिक नेचर की तालीम हूँ, इन तालीम के बेसिस से असेंगे टेबल जॉब न मिली हुई। जॉब असि समंदर से ही तालुक रखी है। अस वेल ट्रेंड मूँ आयो, प्रोफेशनल मूँ आयो, कि रिवायती प्रोटेस्टर्स या सियासत से को भी तालुक ना है, पर ये कम्युनिटी इन निकती है जो कम्युनिटी की केर बुधने लिए तैयार ना है। सो ही असा इशूज़ इन असा जैदी साहब के ड्राफ्ट जमा कराया हुआ मुख्तलिफ सूरत में, उनके सजेशंस दिन जे मेरीन एक्सपर्ट्स इन जिन्होंने सजेशंस वगैरह दिन, लेकिन उनके बावजूद भी कई भी जो प्रोग्रेस उन शहर में नी पी नजर अचे। अस पाकिस्तान मरीन अकेडमी 4 खां 5 बेचू पास आउट थी चुकी, जिनकी जॉब इन दिन लगी है। पास आउट थो सभी के 4-4 या 6-6 साल वेट करो पव। पाकिस्तान कुल 8 या 9 जहाज हैं, जैसे कर भारी भरकम फीसूँ भरे छोकरा सब पास आउट थन्दा तो उनके को भी जॉब की गारंटी नी दिया। असल में पैर ये जो जहाज आज पाकिस्तान मरीन अकेडमी उनते पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जी कैडेट्स चाढ़े सकजन था, पर मैरीटाइम मिनिस्ट्री की ना हली छोकरा नी चाढ़े 8 खां 10 छोकरा चाढ़े सकजन था, पर एक या 2 छोकरा चाढ़ी जहाज़न। हम लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान मरीन अकेडमी से, और इसकी खास बात यह है कि हम लोग बेशक बाकी सेक्टर से कम तादाद में तो होते हैं, लेकिन हमारी जो जॉब होती है वो बहरी जहाज़ों पर होती है, और हम लोग सालाना अरबों रुपए का जो है रेमिटेंस जो है पाकिस्तान को लाकर देते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को जो है ना बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। रिसेंटली फिलीपींस ने जो है अपने पिछले 5 सालों में $6 बिलियन का रेमिटेंस अपने मुल्क में लाके दिया, तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो है अगर हमें वो वसाइल मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो हमारे मुल्क को हम क्या क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हमने क्या है, हमारा मसला ये है कि कोई भी अभी अच्छी कंपनी है जो भी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, और अब सिर्फ हमारे पास एक हमारी नेशनल फ्लीट बची है जिसमें जाने के लिए हमें 6 साल वेट करना पड़ता है। हमने हर रास्ता देख लिया, हमने वफाकी वजीर, हमने DG पोर्ट्स एंड शिपिंग, हमने जो है मैरीटाइम सेक्रेटरी, उनसे मीटिंग कर ली, उनसे फील्ड एक्सपर्टीज़ ने उनके ऑफिस जा के उनके घर जा के बात कर ली, लेकिन उनकी तरफ से हमें जवाब ये मिलता है मीटिंग में कि हमने आपकी जो है एक हॉस्टल की बिल्डिंग है उसको साफ़ करवा दी है और ये आपके तमाम मसाइल हल कर दिए। मतलब आप सोचें कि एक ब्यूरोक्रेट, एक टेक्नोक्रेट जो है और एक वफाकी वजीर हमें कह रहा है कि आपकी हमारी पूरी मिनिस्ट्री में एक मसला, सबसे बड़ा मसला यही है कि एक बिल्डिंग गंदी है। अगर हमारा मुल्क इन लोगों के हाथों में गया हुआ है तो आप फिर अल्लाह हाफिज़ है हमारे मुल्क का, ये मुल्क फिर नहीं चल सकता इस तरह। जी नाज़रीन, अवां नौजवानन जो गालियों बुधियो, इन्हन जो चवण है तो वफाकी वजीर अली जैदी इन्हन जा मुतालबा है मसला हल करण में मुकम्मल नाकाम वो है। इन्हन मुतालबो किया है वजीर आजम इमरान खान का सदर पाकिस्तान का, तो इन्हन जा मुतालबा जल्द पूरा कया वन। कैमरामैन इमरान अब्बासी से गड राजा असगर सुमरो, इमकान TV कराची। इमकान TV जे YouTube चैनल जा वीडियोस ए नोटिफिकेशन हासिल करण लाए असा जे चैनल के सब्सक्राइब करियो ए बेल आइकन दबाए न विसारियो।